हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लेके आए हैं हम नया व्लॉग। और मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है कि जब मैं कैमरा में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे देखना पड़ता है बार बार। मुझे आदत थी स्क्रीन पे देखने की, बट मैं अभी कैमरा में देख रहा हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज अपने दिन की और नहीं। तो देखो अभी मतलब बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, तो आज दोनों लगे हुए थी, तीसरी जगह मेरे लिए खाली रखी गई है। और हाथ जोड़ दिए कि वीडियो ना बनाओ हमारी। बिल्कुल हाथ जोड़ दिए दोनों ने कि वीडियो ना बनाए हमारी। तो अभी मैं, मेरा भी टाइम हो गया योगा करने का, तो चलिए मैं योगा कर लेता हूँ। सो गाइस, ये देखो हमारा किचन गार्डन है पूरा। इसका भी पूरा जो रिव्यू है ना व्लॉग में बनाऊंगा कि क्या क्या लगा है हमारे घर, ठीक है। और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, तो मम्मी खीरा कहाँ पर लगा रहा हूँ। ये देखो, ये ना खीरे की बेल है, तो आपको दिखाता हूँ कि भाई लोग कहते हैं ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ें, तो ये होती है ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये देखो फिर यार, एक ही रह गया, आई डोंट नो व्हाई, कि बाकी सारे अभी आई गेस खराब हो गए हैं। तो अभी यार ये देखो, तो ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, मतलब अपने ही, ये देखो बगीचे से निकाला हुआ। लेकिन जस्ट चेक दिस साइज, कितना बढ़िया और कितना अच्छा टेस्टी होगा ये खीरा। और ये है क्वीन, ये है क्वीन जो पीछे देख लो, जिसको योगा करने, पता नहीं क्या कर रही, मेरे को समझ नहीं आ रही। तब फिर तू योगा कर रही है क्या कर रही है? वो देखो बस, ये योगा बेस्ट योगा। मैं एक घंटे से योगा करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं एक पोज तक अभी मैं ऐसे रेस्ट पोज करूँगी। बाय द वे यार, मैं एक चीज तो भूल गया, मैं सीरियसली एक चीज भूल गया। तो ये इंसान है, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मैं सो के उठाऊँ ना, तो मैं अपने बिस्तर देख रहा था कि मैं यार कोई साइड पे है नहीं, तेरे लेटा हुआ। तो ये इंसान इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तू जल्दी कैसे उठ गई, मेरे को समझ नहीं आ रही। साथ कितने बजे उठ गई तू? आशु सरप्राइज था, और पहला क्वेश्चन नहीं था मम्मी। मैं ऐसे था, मतलब मुझे लगा कि सपना देख रहा हूँ मैं कोई। और मैं 2:15 एएम पे सोई थी, मैंने 6 बजे सोचा था, फिर मेरे 5:45 पे नींद उठ गई ऑटोमेटिकली। मैं वो देखा कभी ऐसे जल्दी नहीं उठी। तो हम कैसा लगा आपको आज जल्दी उठ के? डिस्गस्टिंग, दोनों ने मेरे को 1% योगा तक नहीं करने, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, वही टाइम हो गया मेरा। गाइस मैं तुम्हें योगा करना सिखाऊंगा, योगा करना सिखाएगी मेरे को ये मामा, मैं तुम्हें योगा करना सिखाऊंगा जो मुझसे खुद नहीं हुआ। गाइस ऐसे करते हैं, पहले ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, सो जाओ, देख लो इसका योगा, देखो जरा लो योगा, देख रहे हो? ये देख रहे हो, हालात देख रहे हो? हां जी, बहुत बुरे आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बुरे आ रहे हैं गाइस। तो हमने थापर योगा देखा है गाइस, गाइस हमें थाई योगा भी पता है, ऐसे थाई पे ऐसे दबाते करने दे भाई, इतने टाइम नहीं। आज क्या है फिर ब्रेकफास्ट में? जैसे जनता रोज पूछती है कि आज क्या बनाया है मम्मी ने खाने में, किस चीज़ का बैठ रहा है? प्याज, टमाटर, ओके। सो इसके अंदर जो है वो है आपका, ये है आपका, इसमें प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और टोफू है। तो अभी इसका सैंडविच बनेगा,
तो यूजिंग मेयोनीज और फिर चलो देखते हैं फिर कैसन सैंडविच बनाती है मम्मी। अभी कुछ बैंक का काम है इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। और भाई जो गर्मी है ना बाहर, लिटरली बता रहा हूँ बहुत बुरी हालत है इधर हो रखी। बट इधर काम तो करना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन मतलब थोड़ा सा रिलैक्समेंट हुआ है, तो अभी टाइम से मैं कर जाता हूँ सारे काम जो भी हैं बाहर के। बट यार हाँ, मास्क डबल मास्क पहनूंगा मैं, सिंगल मास्क लगा के बाहर नहीं जाता हूँ। और बाकी सब भी आप ध्यान रखो बाहर, मतलब तभी निकलो यार अगर ज़रूरी है बहुत जाना, ठीक है? ऐसे प्लीज़ अनसेफ रहो यार अपने घर में, ठीक है? काफ़ी टाइम बाद यार आई एम जस्ट गोइंग आउट साइड। तो ये यार सेक्टर 34 है, जस्ट चेक। तो अभी तो कुछ बैंक के काम से आ रखा हूँ। वैसे तो मतलब सारी शॉप्स एंड ऑल सब बंद ही हैं, बट मतलब ज़रूरत की जैसे हैं 3 o'clock तक अभी ओपन है इधर चंडीगढ़ में। मतलब जो कर्फ्यू का टाइम है वो 3 बजे के बाद है। अभी बैंक का मुझे आइडिया नहीं है कि टाइमिंग क्या रहेगी, अगर वही 4-5 बजे तक होता होगा बैंक का भी। बैंक तो खुले ही हैं यार, कर्फ्यू में भी बैंक खुले थे और बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं वो भी खुली थी। बाय द वे यार थोड़ा सा ना बाहर निकल के मतलब ज़्यादातर अंदर, आप मुझे डांस वीडियोस भी आपने देखी होंगी मेरी जो कि मैं अंदर ही शूट करता हूँ, तो बाहर थोड़ा मतलब कहीं अभी वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, तो वो कई बार लैक हो जाता है थोड़ा सा। बट आहिस्ता आहिस्ता यार जैसे जैसे मतलब व्लॉग्स करूँगा आपसे प्यार देंगे और लोग प्यार देंगे। ओके सो आई एम क्लोज टू द बैंक, अभी बैंक के पास आ गए हूँ। तो सेक्टर 34 है एंड जो बैंक है वो मुकट हॉस्पिटल के पास है, एज यू कैन सी हियर। सो हियर इज मुकुट हॉस्पिटल। आई गेस वैक्सीनेशन का इधर भी हो रहा है शायद, बिकॉज मेरे मामा जी इधर वैक्सीनेशन करवा के गए थे। ये इज़ द बैंक यार जहाँ मैं अभी काम है मुझे PNB। सो दिस वॉज OBC बिफोर, बट अभी ये PNB बन गया है। सो चलो यार बैंक में जाके भी थोड़ा काम कर लेते हैं फिर बात करते हैं।
ओके सो फाइनली यार अभी ख़त्म कर दिया, मतलब अभी करके आ गया हूँ बैंक का जो भी काम था। तो नाउ जस्ट गोइंग बैक होम, थोड़ा और गर्मी यार बहुत बुरी हालत है सच में कह रहा हूँ। तो इट्स लाइक अभी कम से कम आई गेस 35 से ऊपर टेम्परेचर होगा इस टाइम बाहर का, बट रेल बन गई यार, मतलब कुछ एसी वेसी लगवाना पड़ेगा यार ऐसे, मतलब बाहर तो निकलना इज़ लाइक हेल दिस टाइम। सो बाय द वे यार, ये दिस इज सेक्टर 34 और मैं आपका अपना रोबो मैंने एक तो थोड़ा सा मुझे मतलब अभी यार बाहर मैंने व्लॉग्स बहुत कम किए हैं, जस्ट स्टार्टेड डूइंग सम व्लॉग्स राइट नाउ एंड चलो यार अभी मतलब सांस नहीं ली जा रही यार, मास्क में ना इतना मुश्किल हो जाता है बात करना चलना और काम करना, बहुत बहुत ही मुश्किल काम है यार ये, सच्ची कह रहा हूँ। व्लॉगिंग इज़ नॉट दैट ईजी जैसा आप सोचते हैं, तो या मतलब कैमरा पकड़ के आप चल रहे हो कहीं भी, सो यू फील बिट कॉन्शियस, कभी कभी कॉन्शियस हो जाते हैं, बट आस्ते आस्ते यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स करूँगा। तो अभी लेट्स सी कि कैसा रहता है वेट ऑफ सीटिंग। सो ये सामने देख रहे हो, तो दिस इज सेक्टर 22, तो ये रोमा की तरफ जाता है रोड एंड दैट इज सेक्टर 34। एंड चंडीगढ़ के ना यार एक बात तो बहुत सही है कि यहाँ पेड़ बहुत हैं, तो ये बेटर लॉट ऑफ ऑक्सीजन है उठे में। देख रहे हो आपकी कितना कितने सारे पेड़ हैं, तो चंडीगढ़ की यार बेस्ट थिंग इज दैट बहुत ग्रीनरी है यहाँ एक्चुअली, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है यार हमारे चंडीगढ़ में। वेल वॉचिंग सम मतलब पुरानी अपनी जो वीडियोस हैं वो देख रहा था कुछ मैं, जो इधर चंडीगढ़ की थी, तो उधर मैं देख रहा था तो इतना मतलब चेंजेस नहीं आया है, बिकॉज अभी यार कोई पेड़ पूड़ मतलब ये सब चीज़ें काटी नहीं गई हैं जैसे कि हिमाचल में हो रहा है। अभी ये जो हिमाचल में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपका मतलब डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, तो इन्हीं सब की वजह से है यार जो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। इवन जहाँ दो दो तीन तीन फुट बर्फ़ पड़ती थी, चार चार पाँच पाँच फुट बर्फ़ पड़ती थी, तो अभी आप देख सकते हो यार हिमाचल में टेम्परेचर ही चेंज हो गया बिल्कुल ही यार। ये जो भी देख रहे हो ना सामने ये होटल दिख रहा है आपको, तो दिस इज़ द फेमस रोमा होटल जो काफ़ी फेमस है सेक्टर 22 का।
अभी बस सामान ले लिया है, चेक दिस आउट और गोइंग बैक होम। घर पहुंच के सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए सो गाइस, अभी प्री वर्कआउट का टाइम है बिकॉज अभी डेली वर्कआउट कर रहा हूँ। सो लेट मी शो यू कि मैं प्री वर्कआउट क्या मील ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं मतलब आई एम गेनिंग, तो इसलिए मेरी मील रहती हुई रहती है। जस्ट ओके, सो ये है जो कि मैं मतलब प्री वर्कआउट लेता हूँ, एंड ये क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सो दिस इज़ ब्राउन ब्रेड और उसके ऊपर पीनट बटर की टॉपिंग है, और जिसके ऊपर मैं रखूँगा ये बनानास। सो प्री वर्कआउट बहुत अच्छा मील है, पोस्ट वर्कआउट भी अच्छा है, बट मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ ताकि थोड़ा सा एनर्जी रहे। और पीनट बटर तो यार पता ही आपको कितना प्रोटीन होता है, बाकी ब्रेड है, ब्राउन बटर है, अपना ब्राउन ब्रेड है तो कार्ब्स का सोर्स है। तो ये देखो यार, तो ये आपका मसल ब्लेज का है जो पीनट बटर मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और दिस इज़ द पीसी जहाँ मैं भी एडिटिंग कर रहा हूँ व्लॉग की। तो अभी रात का टाइम हो गया है और अभी एडिटिंग करने बैठा हूँ, तो जल्दी व्लॉग मैं अपलोड करूँगा अपना जो भी न्यू व्लॉग है। और होप सो आपने सारे जितने मेरे पुराने व्लॉग्स हैं वो ऑलरेडी देखे हों और आपको अच्छे लगे हों। बट व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, जितने लोगों को मैं शेयर करता हूँ तो उतना मतलब अच्छा जो व्यूज़ है नहीं आ रहे हैं, और ना ही मेरा वॉच टाइम इतना अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। तो गाइज, डू वॉच माई ब्लॉग्स, डू शेयर इट, और हाँ लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिए। बट उससे ज़्यादा अगर आप ब्लॉग मेरा देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एंड शेयर करना भी मत भूलिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, तो चलिए अब चलते हैं, विदा लेते हैं, बाय बाय।